भाई वो गरीब तो गरीब, ऐसे मत करो, मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई। हम भी कुछ अफ्तारी के लिए सामान लेते हैं फिर हम जाएंगे। ये तो भाई मार हो रही है यहाँ पे तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आई होप आप सारे अच्छे होंगे। गाइस तो आज मैं हूँ अभी घर पे, आज मैं अफ्तार घर पे ही कर रहा हूँ और अफ्तार का टाइम भी हो चुका है। अचानक से मेरा ये प्लान बना कि प्लान क्या, वो जाना ही जाना था। आज मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ इकरा और फजैल के साथ, तो अभी हम चलेंगे अफ्तार के बाद। बस है बहराइच से ही, बस आएगी दिल्ली। तो अभी पहले अफ्तार करते हैं घर पे, उसके बाद चलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस तो फिर से चल पड़े हैं, पहले अम्मी से मिलते थे, अब रोहान से ही मिलना पड़ता है। इसकी हंसी देखिए, अब तीन अलग से मिल के जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? हैं बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय करता है अब मस्त जी। सो तो अम्मी से मिलेंगे दो चार दिनों बाद इंशाल्लाह। अचानक से कुछ होता नहीं है कि घर में जो छोटे होते हैं उन्हीं को सारे काम मिलते हैं, वही वाला सीन है मेरा भी। तो चलते हैं, अम्मी को छोड़ के जा रहे गाइस। फिर से अपना गुड डॉग एक छोटू से भी मिल लेते हैं इनसे, तो भाई सुबह शाम मिलते हैं, बट अब मन नहीं लगेगा इसमें। बाय बाय। तो गाइस तो फाइनली हमें वकील अम्मू और गुलजार भाई आए थे छोड़ गए हैं, और इकरा मेरे साथ हैं, फजैल हैं, सब लोग हैं। तो आज दिखा रहे हैं आपको घर से कितना आइटम पैक होके आया। बस इसमें नीचे नीचे क्या है, पास्ता, नीचे पास्ता है, इधर बिरयानी है, इधर फ्राइड राइस है, क्योंकि हमें फजर में सैरी भी करनी है, तो इस वजह से सब कुछ पैक करके आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग भी आई है, ठीक है। तो मेरी सीट बाहर भी है, तो मैं अभी फ़िलहाल इन लोगों के साथ ही हूँ और अभी चला जाऊँगा बाहर, क्योंकि इन लोग अभी सो जाएंगे, मैं तो बाहर आराम से बैठ कर अपनी एडिटिंग करूँगा बस। गाइस इकरा ने लखनऊ देखते हुए आई है इकरा, और ये अब हम लोग खाने आ रहे हैं बिरयानी। बहराइच से लखनऊ पहुँचे, अब यहाँ पे बिरयानी खा के अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि हमें सहरी में भी उठना है, रोज़ा भी रखना है कल, और खाने जा रहे हैं हम बिरयानी। ये है लखनऊ का नज़ारा, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ, और लोग खाने जा रहे हैं बिरयानी। नानी ने फटाफट मंगवाया सब चीज़ें और नानी ने बना के दिया कि हाँ खाते हो जाना तुम लोग। भाई गाइस हमारी बस जो है अभी रुकी हुई है, ये वैशाली से हम जा रहे हैं, और मेरे साथ मेरा दोस्त है। बस वाला कस्टमर बुला रहा है, देखो ये अपनी शॉप का सामान लेने के लिए जा रहा था, मेरे से मिल गया। बैठे बैठे थक गया, बैठे नहीं सॉरी, मैं तो लेटा था, ये बैठा था क्योंकि मैं स्लीपर ले रखा हूँ, इसने ऐसे सीट ले रखी है ना, बेसर नहीं बता रहा हूँ इसको क्योंकि अर्जेंट में इसको मिला नहीं। कोई नहीं, ये वैशाली से हम जा रहे हैं सुबह जल्दी जल्दी, 6 बजे या 7 बजे कन्फर्म पहुँचा देगा ये, मतलब इसकी टाइमिंग यही है, मतलब टाइमिंग तो परफेक्ट इन लोगों की चलती है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, तो अब हम जा रहे हैं, हमारी अप्पी रहती है यहाँ पे, उनके पास जा रहे हैं, और हमने ई रिक्शा कर लिया है। रात से लेट लेट थक गए हम तीनों लोग, रोज़ा भी हैं, और सहरी रात में हमने की क्या थी, हमने पानी पिया था, बाकी बिरयानी जो रात में खा पी के हम सोए थे। चलते हैं पहले नहाते हैं, क्योंकि नहाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस तो मैं आते आते सो गया था, और सो के उठा हूँ, और मैं अभी फटाफट नहा के रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ने के बाद देखते हैं क्या सीन है, कहाँ जाना है। बाकी फुजा लिख रहा तो यहीं रहेंगे, मेरे को कहीं जाना होगा तो मैं जाऊँगा, बाकी अभी कोई प्लान नहीं है। दोस्तों के कॉल तो आना स्टार्ट हो गए कि उन लोगों को पता चला कि यहाँ गुलफाम आया है, कि हाँ भाई कहाँ हो कहाँ हो, तो भी बात करते हैं उनसे भी क्या सीन है उनका भी। वैसे सबकी छतें दिखी जा रही हैं बस, और तो कुछ है ही नहीं। हम टॉप फ्लोर पे हैं, उधर कुछ नदी वदी दिख रही है यहाँ पे। गाइस इकरा फजैल ना यहीं पे रुक जाएंगे, और मैं जा रहा हूँ अभी नवाब के पास। आप जानते हो नवाब से तो मिलना ही मिलना बनता है, तो नवाब के पास जा रहे हैं, और नवाब की कॉल आई थी, बोला भाई आ जाओ मिलते हैं, तो अभी मैं नवाब के पास जा रहा हूँ, और इकरा फजल यहीं पे हैं वो लोग, मैं फिर से भी रात में यहीं आ जाऊँगा, बाकी अभी घूमने चलते हैं ऐसे थोड़ा सा, फिर नवाब के पास चलते हैं उससे मिलते हैं, क्योंकि भाई दिल्ली है और नवाब से ना मिलो ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, तो सारे भाई मिल चुके
तो हमारी प्लानिंग हो गई है कि हम जा रहे हैं अफ्तार करने के लिए, वो भी कहाँ जाएंगे, जामा मस्जिद, क्योंकि जामा मस्जिद की प्लानिंग हुई फटाफट और हम वहीं जा रहे हैं सारे। लेट हो जाएंगे भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलते भाई वरना लेट हो जाएंगे। कोई नहीं, खूबसूरत लग रहे हो आप यार, तुम्हारे ऊपर भी अच्छी लग रही है। मैं बचपन से हूँ भाई, ऐसी कोई बात क्या करे भाई, काम ही यही बंदे पास भाई, इसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं। पता नहीं रफ्तार कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते भाई। टाइमिंग तुम्हें पता भी है क्या है? पता है, सोच रहे थे कि हम दोनों 6:45 पे आज अफ्तार, और भाई अफ्तार करके फिर इतना चलना पड़ गया आज तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतनी जान दे रखी कि हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चलिए थोड़ा। तुमने नहीं कुछ चला भाई, हमने बहुत कबाब खिलाएंगे आगे, और हो सकता है निकल भी सकते बिना कबाब के। हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद, तो यहाँ पे इतनी भीड़ है ना क्या बताऊँ आपसे। ये देखो आप सामने जामा मस्जिद है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अफ्तार करने के लिए आते हैं ना, इसलिए भीड़ बहुत हो जाती है। अफ्तार करने का मेरा मन बहुत था यहाँ पे माशाल्लाह, आज हम यहीं पर अफ्तार करेंगे, और दोस्त हैं साथ में तो अलग ही मज़ा आएगा। घर वाले को मिस कर रहा हूँ, यहाँ डेली उनके साथ अफ्तार करता था, आज यहाँ पे कर रहा हूँ। कोई नहीं, यहाँ दोस्त तो हैं भाई, चलो भाई करते हैं, पहले कुछ ले लेते हैं अपने लिए, खाने पीने के लिए, अफ्तार के लिए जो सामान होगा तुम्हें दिला दूंगा भाई। माशाल्लाह भाई, यहाँ पे अफ्तारी बिक रही है, देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है चारों तरफ। यहाँ पर फ्रूट करे जा रहे हैं, और वहाँ पे पैकिंग हो रही है फ्रूट्स की, बिक रहे हैं उधर। हम भी कुछ अफ्तारी के लिए सामान लेते हैं फिर हम जाएंगे। तो भाई मार हो रही है यहाँ पे तो। भाई इस अवतार के लिए भी ना यहाँ पे मार हो रही है बैठने के लिए, सिर्फ यहाँ किसी न किसी को जगह मिल जाए बस। नवाब भाई मिल गया, असलम भाई। भाई अगर हम पहले आ जाते ना तो बहुत अच्छी सी जगह मिल जाती है, हम आराम से बैठते हैं, और इतनी लेट में हम पहुँचे यहाँ पे तो इस वजह से हमें दिक्कत हो गई भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम यहाँ पे पहुँचेंगे। नवाब भाई तो पता नहीं कैसे पहुँचते पहुँचते आ ही गए, हमने यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह मिल चुकी है हमें, और हम यहीं पे अफ्तार करेंगे बैठ के मस्त। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस पहुँच के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बैठ के अफ्तार कर रहे हैं। मेरा मन बहुत कर रहा था कि यहाँ पे अफ्तार करने का, चलो अल्लाह का शुक्र है। गाइस फाइनली नमाज पढ़ चुका हूँ, और ये देखो आप कुछ ऐसा नज़ारा है माशाल्लाह। और यहाँ पे बारिश पहले होने वाली थी बट बारिश रुक गई, मतलब अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो करिश्मा था। और अभी मौसम इतना ख़राब हो रखा है, आप देखो ये देखो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया इधर, और इधर तो अभी सही है, पूरा चारों तरफ से ब्लैक हो चुका है बादल पूरे, फुल बारिश होने वाली है इतना तो कन्फर्म हो चुका है। और अफ्तार हो गया है, अब सब नमाज भी पढ़ चुके हैं, हम भी नमाज़ पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जाएंगे हम। कुछ खाने जा रहे हैं यहाँ पे तो नॉर्मली, हमने फल ले लिए थे थोड़े से, और रोटी ले ली थी, अच्छा अच्छे से खाएंगे पियेंगे। चलो भाई ये व्यू कितना प्यारा लग रहा गाइस माशाल्लाह। कबाब में मोहब्बत मिलेगी भाई जान, कबाब शरबत की मोहब्बत कबाब में, कुछ भी बना दो हमने मन से बनाना चाहिए अच्छा सा, उसी को तो बोलते हैं कबाब में मोहब्बत, जो मोहब्बत से बने कबाब उसे बोलते हैं कबाब में मोहब्बत। हम यहाँ पे अभी खाएं फिलहाल कबाब खाने के आए हैं, और भाई कभी भी आओ आप जामा मस्जिद, बट रमज़ान में मत आओ, क्योंकि चलने के लिए आपके कपड़े और जो कुछ भी आपके हाथ भी सकते हैं भाई, कपड़े भी सकते हैं, और हम लोगों ने पन्नी पा सकते हैं और दब भी सकते हैं भाई नीचे। पता नहीं क्या होता है, मतलब पब्लिक ज़्यादा होती है ना तो उसमें चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर हम यहाँ पे आए कबाब खाने, कबाब खाते हैं उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए जी। नवाब भाई को कहीं और जाना है, मेरे को कहीं और जाना है, सारे भाई को कहीं, मुझे तो मंदिर जाना अभी इसके बाद क्या भाई जाना, पूजा करने हैं। चलो कोई नहीं भाई, खाते हैं, क्योंकि अफ्तार में हमने बहुत नॉर्मल सा अफ्तार किया था, क्योंकि वहाँ पे ढंग की चीज़ें मिलती नहीं थी, तो हमने कहा अभी खा पी के चलते हैं। फिर खाना स्टार्ट कर दिए साला भाई, हम असलम चिकन बस इस रीज़न से नहीं गए थे, देख लो अब इतनी गंदी भी हो रखी है यहाँ पे, चलते हैं भाई अब चलते हैं। असलम असलम भाई, ये असलम, ये है असलम, और ये है चुसलम चुसलम
बैठो मजाक बना अच्छा भाई तुम मजाक करो तो कोई नहीं, हम कर ले तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। साला अपना बोल रहा कि इन गरीबों के साथ बैठ जाओ गुलफाम भाई तुम खा लो तब नहीं। और मैंने बोला था ऐसे बोला था तुमने कि हाँ भाई तुम बैठ जा भाई जा कैसे तो गरीब यार, गरीब, ऐसे मत कर मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई मत क्या कर किसी के साथ ठीक है ऐसे मत क्या कर भाई इसे बोलते हैं बिजनेस करने का तरीका। पब्लिक इकट्ठा हो रही है भाई तुम भी बन के कस्टमर देख रहा भाई समझ रहा बस चल ले कौन है वे? कौन है ओ, चल भाई चल चल भाई की खुशी देख सकते हो आप माशाल्लाह फूल फूल बरसा रहा है। अब नवाब भाई और असलम भाई अलग जा रहे हैं। नवाब भाई चलो उठ जाओ एक्टिंग मत कर ठीक है पैसे नहीं मिलेंगे हट जा। सो तो इन लोगों का रूट अलग है तो ये इन सब जा रहे हैं आज इनके साथ अवतार करके बहुत मज़ा आया और ये सब अलग मैटर्स हैं मतलब सारे अलग अलग जाएंगे ठीक है। वैसे जब तक ये आए हम मिलते तो रहेंगे और मिलते तो रहेंगे तो इन्हीं गाइस चलते हैं। अभी तो शॉपिंग भी जा रही है शॉपिंग करने जाएंगे तो फिर उसमें हम सब साथ एक चीज और है वो अभी मैं रिवील नहीं करूंगा कल ही करूंगा जब कल या परसों जब शॉपिंग करने जाएंगे ना उस दिन ही करूंगा कि किस चीज की शॉपिंग हो रही है। हाँ मतलब कई सारी चीजें हैं उन सब की शॉपिंग होगी मस्त से चलते हैं फिर शेयर शेयर गाइस। तो अब मैं आपके घर पे आ चुका हूँ और इकरार फजाइल और सब लोग कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं बाहर और इनका जो फ्लैट है वो टॉप फ्लोर पे है तो आते आते हालत डाउन हो जाती है भाई। मैं तो आके पहले रेस्ट किया हूँ उसके बाद ब्लॉग कर रहा हूँ मैंने सबसे मिला बट क्या है कि घर वालों के ऐसे अवतार का टाइम याद आ रही थी कि घर वालों की बात ही अलग होती है कि हाँ बैठ के उनके साथ जब अवतार करो ना सुकून सा मिलता है। वैसे कोई नहीं उन लोगों के साथ भी अच्छा लगा और वहाँ पर अवतार करने के बाद ठीक था बट होता ये कि वहाँ पर जाने में इतनी प्रॉब्लम निकलने में इतनी प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोग थे। वैसे मेरा मन भी था कि हाँ मैं अवतार करूँ वहाँ पे बहुत टाइम से था क्योंकि नवाब जाते थे असलम भाई और कई लोग हैं तो वहाँ पे अवतार करते थे मैं देखता था स्टोरीज देखता था उनकी तो मेरे को मन करता था जाऊँ तो वो भी आज पूरा हो गया कोई नहीं। वैसे आपको कैसा लगा ये व्लॉग आप सबने ये सब चीज़ें देखी कैसा लगा आपको आप कमेंट करके बताइएगा। सो तो ये जो व्लॉग है आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो ठीक है ख्याल रखो अपना जल्दी मिलते हैं।